क्या कार्टेजियन प्रोडक्ट, ये देखिए कार्टेजियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। कार्टेजियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देखिए कि द कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए नॉन वॉइड सेट, नॉन वॉइड सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कमा बी वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, दिस इज डिनोटेड बाई, दिस इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। देखिए कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी वेयर इज नॉन वॉइड सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कमा बी वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कार्टेजियन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। लेट्स से एक एग्जांपल से देखते हैं, लेट्स से ए इज इक्वल टू पी कमा क्यू एंड बी इज इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री, देन क्या हो जाएगा ये देखिए, ए आपका इधर है और बी आपका इधर है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे एक होगा पी और यहाँ होगा क्यू, वन टू थ्री, ठीक है। अब रिलेशन हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पी का रिलेशन वन से भी हो सकता है, पी का रिलेशन क्यू से भी हो सकता है, पी का रिलेशन थ्री से भी हो सकता है। सिमिलरली क्यू का रिलेशन की बात करें, क्यू का रिलेशन वन से भी हो सकता है, क्यू का रिलेशन टू से भी हो सकता है, क्यू का रिलेशन थ्री से हो सकता है। यानी अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें हमें क्या मिलेगा, पी वन पी टू, ठीक है, पी थ्री क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, दीज आर द ए क्रॉस बी। ये बात समझ में, ये बात समझ में, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ए क्रॉस बी, इसी को हम कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बोलते हैं। कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी विच इज गिवन बाय दिस, ये बात समझ में आएगी कार्टेजियन प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर ए इज इक्वल टू आपको ऐसा दिया गया है, ए इज इक्वल टू वन कमा टू कमा थ्री एंड बी इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू गिवन है वन कमा टू कमा थ्री, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, वन कमा वन, वन कमा टू, वन कमा थ्री, ठीक है, टू कमा वन, टू कमा टू, टू कमा थ्री, थ्री कमा वन, थ्री कमा टू एंड थ्री कमा थ्री। तो ए क्रॉस बी निकालने आ गया, यानी किसी भी दो एलिमेंट्स का, दो सेट्स का कार्टेजियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये आपका ए है ये आपका बी है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। अगर ए का रिलेशन कितने होगा, वन से, टू से, थ्री से। सिमिलरली अगर हम टू का रिलेशन हम बनाए तो टू का रिलेशन वन से भी होगा, टू का रिलेशन टू से भी होगा, टू का रिलेशन थ्री से भी होगा। सिमिलरली देखिए अगर थ्री का रिलेशन क्या हो जाएगा, वन से भी होगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा। तो ये चीज आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है जी इसमें। तो ए क्रॉस बी कार्टेजियन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कार्टेजियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अब कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने तो आ गया, ठीक है। अब देखिए सो इफ ए हैज, इफ ए है, इफ अ सेट ए हैज एम एलिमेंट्स, इफ इफ अ सेट, इफ सेट ए हैज
सेट ए हैज एम एलिमेंट्स, एम एलिमेंट्स एंड सेट बी, सेट बी हैज एम एलिमेंट्स एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हैज एम एन एलिमेंट। कितने एलिमेंट हो जाएंगे ये, एम एन यानी एम क्रॉस एन, एम एन एलिमेंट। ये बात समझ में आई, ये एम एन एलिमेंट। सो वी कैन, वी कैन राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एज, देखिए ए क्रॉस बी एज, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है जी, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ में आई जी, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। यानी जो पहला होगा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट होगा वो ए से बिलोंग करेगा, जो यहाँ फर्स्ट होगा ए, और बी होगा बी से। अगर यहीं पे अगर लिखा जाए कि बी क्रॉस ए अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए सच दैट बी इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई जी, ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसे x क्रॉस y आपको निकालना है सच दैट x कमा y इज सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ x एंड y इज द एलिमेंट ऑफ y। बात समझ में आई जी, हेलो, ये बात समझ में आई, इसमें किसी को दिक्कत है? अब मान लीजिए ए क्रॉस ए भी लिखा निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया हो 1 2 3 4, और कोई बोल जा, कोई आपसे अगर पूछे कि हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3 1 कमा 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2 कमा 1 2 कमा 2 2 कमा 3 टू कमा फोर। ठीक है, सिमिलरली 3 कमा 1 3 कमा 2 3 कमा 3 3 कमा 4, फिर हो जाएगा 4 कमा 1 4 कमा 2 4 कमा 3 एंड 4 कमा 4। ये तो ये क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ए क्रॉस बी ही हमें निकाले, ए क्रॉस ए भी निकालना पड़ सकता है, बी क्रॉस ए भी निकालना पड़ सकता है, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी, ऐसे भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ सकता है। बात समझ में आई, हेलो, बात समझ में आई जी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत है जी? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है जी, अब बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है, यहां देखिए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन क्या है ये, यहां देखिए इसका डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन द रिलेशन आर फ्रॉम, देन द रिलेशन, देन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही आर,
हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यानी आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी या ऐसा देखिए कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ठीक है, बात समझ में आई। अब नोट करके लिखते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए पहले एक नोट लिखते हैं, छोटा सा नोट। नोट, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, आर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स, एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टली, रिस्पेक्टिवली, देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हैज एम एन ऑर्डर्ड, ऑर्डर पेयर्स। कितने पेयर्स हो जाएंगे, एम एन ऑर्डर पेयर्स होंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज टू टू दी पावर एम बाई एन। देखो टू टू दी पावर एम एन, इतने रिलेशन बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने रिलेशन बनेंगे, ए क्रॉस बी, ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे, टू टू दी पावर एम एन रिलेशन बनेंगे, टू टू दी पावर एम एन। अब ये भी बताऊंगा कैसे रिलेशन बन रहे हैं टू टू दी पावर एम एन। ठीक है, यानी मान लीजिए इसमें कितने हैं, यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट है, फोर, और बी में कितने रिलेशन है, फोर, तो कितने हैं यहाँ पे 16, यानी टू के पावर फोर हो का पावर 16 आपको रिलेशन बनेंगे। कहते वो अभी हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट। सर ये पहला क्या पता, सर ऊपर वाला, ये वाला, यस सर। देखिए ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, then the relation R from set A to set B is subset of A cross B. A cross B का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसी का सबसेट हमारा क्या होगा, रिलेशन R होगा, उसी का सबसेट हमारा रिलेशन क्या होगा, R। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, A से B का जो रिलेशन होगा, R is the relation of from A to B. A से B में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिलेशन होगा, उसी को हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम अभी एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझते हैं, यहाँ तक ये बात समझ में। आर क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ये जो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसलिए तो बोला जा रहा है कि टू टू द पावर एम एन हमारा रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम अभी बताएंगे, अभी देखेंगे। ठीक है जी, यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, R हमेशा क्या है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। अब देखिए एक एग्जांपल के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कैसे रिलेशन है। देखिए A इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू गिवन है x, y। ठीक है, अब देखिए A क्रॉस B हमने निकाला, क्या निकाला, A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा, 1x, 1y, 2x, 2x, 3y। ये हमारा क्या होगा, A क्रॉस B हो गया। अब रिलेशन हमारा क्या है, A रिलेशन B, यही होता है ना, A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B। तो R क्या कहलाएगा, A
रिलेशन आर क्या है ए टू बी में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो गया जी एक मिनट, हाँ जी, ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी को हम क्या लिखेंगे कैसे, वन का रिलेशन किससे, ये देखिए वन रिलेशन वाई हो एक्स हो गया, ये देखिए पहला रिलेशन क्या होगा वन का रिलेशन किससे एक्स से, तो वन रिलेशन एक्स हो गया, वन रिलेशन ठीक है वन रिलेशन एक्स हो गया, टू रिलेशन क्या हो गया ये देखिए टू रिलेशन एक्स हो गया, थ्री रिलेशन एक्स हो गया, इसी प्रकार यहां देखिए थ्री रिलेशन वाई भी हो गया, थ्री रिलेशन एक्स भी हो गया, ठीक है अब देखिए वन रिलेशन वाई भी हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है रिलेशन है, ठीक है ये क्या है हमारे रिलेशन है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है अगर ऐसा लिखा गया है कहीं पे, देखिए अगर आपको कहीं पे लिखा जा रहा है कि ये वन कमा एक्स क्या है, वन का रिलेशन किससे एक्स से, वन कमा वाई क्या का मतलब क्या है वन रिलेशन वाई है, टू कमा एक्स का मतलब क्या है टू का रिलेशन किससे एक्स से, ठीक है जी अगर इफ ऐसा लिखा जाए कि इफ ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा ए कमा बी एलिमेंट यानी ए ए रिलेशन बी, ठीक है ए रिलेशन बी ऐसा बोले कि ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो ए रिलेशन बी, ठीक है अगर ऐसा लिखा जाए कि ए कमा बी इज द नॉट एलिमेंट ऑफ आर, मीन्स इसका मतलब हो गया कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए बी का रिलेशन नहीं है, यानी ए कमा बी इज द नॉट रिलेशन ऑफ आर, इसका मीनिंग ये हुआ, बात समझ में आई जी, ठीक है जी ये बात समझ में आई, एक्चुअली रिलेशन क्या बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ए का रिलेशन किस किस से हो सकता है, बी का वन से, बी का टू से, बी का थ्री से, इससे तीनों से रिलेशन हो सकता है, और क्यू का रिलेशन किससे हो सकता है वन से भी हो सकता है टू से भी, तो ये हमारे रिलेशन, ठीक है ये ऑर्डर पेयर, तो इस रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वन रिलेशन एक्स वन रिलेशन वाई, ये बात समझ में आई कि नहीं जे, हेलो हेलो सर जो पीछे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट था सर उसे आर लिखेंगे सर, हाँ जी उसी का सबसेट हमारा रिलेशन होता है उसका, जो सर आर देंगे सर, हाँ जी वो जब भी ए क्रॉस बी लिखेंगे उसको हम आर से रिप्रेजेंट करके हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ में है कि नहीं, हेलो सर, ठीक है अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए ए का पावर एम एन हो जाएगा, ये कैसे कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एम एक एलिमेंट है और बी इज इक्वल टू गिवन है एन, क्या एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्रॉस अगर हम बी बोलेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एम एन हो जाएगी, एम एन हो जाएगी नहीं इतने एलिमेंट हमें मिलेंगे एम एन में, इसमें एम एलिमेंट है इसमें एम एन मिलेंगे, अब मान लीजिए कि ए में हमारे पास वन कमा टू दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू दो एलिमेंट दिए गए हैं एक्स कमा वाई, तो हमारे पास ए एम एन हो गया यानी ए में कितने एलिमेंट डोमेन में दो है इसमें रेंज, तो ए क्रॉस बी अगर हम लिखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा वन कमा एक्स वन कमा वाई टू कमा वन टू कमा एक्स टू कमा वाई, फोर एलिमेंट मिले फोर एलिमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ये क्या होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टू का पावर एम एन यानी टू का पावर फोर इज इक्वल टू 16 रिलेशन होगा, कितना रिलेशन हो जाएगा 16, ठीक है जी यानी वन से एक्स में भी एक रिलेशन है वन से वाई में भी रिलेशन है वन टू से एक्स में भी रिलेशन है, तो ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, क्या सर ये रिलेशन तो सर चार है सर आंसर सर 16 आया सर, हाँ जी अब कैसे आएंगे इसका टोटल सबसेट्स क्या हो जाएगा इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताइए
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे सर? 8। ए क्रॉस बी में अभी कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। यस सर, 4 है सर। तो इसका सबसेट अगर ए क्रॉस बी का बनाइएगा तो कितना आएगा? 2m होता है सबसेट। yes, क्या sir. होता है? वही तो हमारा रिलेशन है। बात आई समझ में? वही रिलेशन होंगे। कहते वो अभी अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे। कहते मान लीजिए कि R एक रिलेशन बनाएंगे, उसमें एक एलिमेंट का भी बन सकता है, दो एलिमेंट का भी बन सकता है, तीन एलिमेंट का भी बन सकता है, चार, दो दो, ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ना, क्योंकि R इज द क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। देखो ये क्या बोला जाए कि यहाँ पे बोला है देन ए टू बी जस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या क्या है? सबसेट्स है। तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट बनाएंगे, और वही सबसेट हमारा क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम देखते हैं कैसे। ठीक है जी, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ए में हमारे पास दो एलिमेंट थे 1, 2, बी में हमारे क्या रिलेशन हो जाएंगे? x, y। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए 1, 2 x। 16 कैसे रिलेशन बनेंगे वो देखिए, क्या आ जाएगा? 1, x, 1, y, 2, 1, 2, y, ऐसा बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हमारे क्या होंगे? ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे कि नहीं, ये बताइए। ये ए क्रॉस बी क्या है और ये हमारा एक रिलेशन है, इसी का सबसेट। तो अगर आर वन इजकल टू हम ये लिख सकते हैं 1, x, आर टू इजकल टू क्या हो सकता है? 1, x, 1, x, 1, y, ऐसे लिख सकते हो। आर थ्री इजकल टू क्या हो सकता है? 1, x, 1, y, 2, x। आर फोर इजकल टू, ये भी तो एक इसका सबसेट, एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं? 1, x, 1, y, 2, x, 2, y। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखिए R5 में क्या ले सकते हैं? ये तीनों को ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1, y, 2, x, 2, y, ऐसा। ये भी तो सबसेट है सकता है इसका। R6 लिखो, R6 में लिख सकते हैं 2, x, कॉम्बिनेशन जैसे बन जाएगा जरा ना। हाँ जी, 2, y, R7 इक्वल टू क्या हो सकता है? 1, x, 2, x। तो ये दीज आर ऑल्सो इज रिलेशन है कि नहीं, और दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो आर टेबल मैंने लिखा है इसका सबसेट है। यस हेलो, तो इस प्रकार कितने रिलेशन बन जाएंगे? 2m बन रहे हैं कि नहीं? देखिए तो 16 बन जाएंगे। हाँ जी, इसी प्रकार 1, x, 1, 2, y भी हो जाएगा। ठीक है, R9, ऐसे हम R16 तक बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? और R16 क्या होगा? दीज आर द सबसेट ही है ना, सबसेट है। तो रिलेशन यही तो हमारा रिलेशन है। ये भी एक रिलेशन है कि 1x में एक रिलेशन है। सर जैसे मैं लिखा है सर 1, रिलेशन है सर उसका, सर 1, y से। हाँ जी ठीक है। इस प्रकार 16 रिलेशन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें यहाँ पे, ये एक लाइन ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2m। ये आप लोग याद रखें, और दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन एंड दिस इज
नंबर ऑफ रिलेशन एक प्रो ए टू बी, ठीक है। ये नंबर ऑफ रिलेशन भी होगा और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी होगा। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक कैपिटल आर लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ, कोई बात। हाँ जी, बात समझ में आएगी, रिलेशन समझ में आया कि नहीं, रिलेशन कैसे बनाएंगे। हाँ जी, हेलो। यस सर, ये दोबारा बता दो। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही हमारा क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। तो एक सबसेट हमारा क्या होगा, वन कमा एक्स आया, देखो तो ये वन कमा एक्स एक है, एक सेट, एक एलिमेंट है इसका, क्या होगा, एक रिलेशन हो गया, एक रिलेशन टू हो गया कि वन कमा एक्स वन कमा वाई, इसी प्रकार वन कमा एक्स आर थ्री वन कमा वाई टू कमा एक्स आर फोर, ऐसे हम आर 16 तक बना सकते हैं। सर ऐसे कैसे 16 तक बना सकते हैं? अरे 2 के पावर कितना होगा, ये समझ नहीं आया सर। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताइए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ। सर 4। 4 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे ए क्रॉस बी के, ये मैंने रिलेशन के नाम दिए हैं, आर वन को हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये एक सबसेट हो गया, आर टू के लिए वन कमा वाई ले लिया, वन कमा एक्स वन कमा वाई ले लिया, आर थ्री में वन कमा एक्स वन कमा वाई वन टू कमा एक्स, ऐसा भी तो एक रिलेशन बन सकता है, ये भी तो एक सबसेट हो सकता है। तो आर फाइव आर सिक्स कैसे सर? आर फाइव में हमने तीन एलिमेंट ले लिए, इसको हमने छोड़ दिया, इन तीनों से मिलके भी एक रिलेशन बन सकता है कि नहीं। बन सकता है ना, समझ नहीं आया सर। पहले हम सबसेट बनाते थे, ये क्या करते थे, ये देखो, पहले ए अगर एलिमेंट हमारे दिए गए थे 2 3, इसके सबसेट्स क्या होते थे बताओ, सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स आप कैसे लिखते थे, एक 5 लिखते थे, दूसरा ऐसे 2 रखते थे, तीसरा ऐसा और ऐसे लिख सकते थे, बोलते थे ना कि दी जाते सबसेट्स हैं, ठीक है, यानी इसी को आप बोलते थे ऐसे कि अगर ए वन हमारा एक ए वन इज अ सबसेट ऑफ ए, ए टू इज इक्वल टू टू, ए टू इज अ सबसेट ऑफ ए, ए थ्री इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ए और ए फोर इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे आप बोलते थे कि नहीं, बोलते थे कि ए वन क्या है सबसेट ऑफ ए, तो हमने यहाँ पे R1 नाम दे दिया और इसको एक एलिमेंट माना, इसको एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना। अब बात समझ में आई? तो अब सर ये R5 से लेकर R16 तक कौन कौन से बनेंगे? वही देखो, अब किसी का दो का तीन का जैसे सिंगल का कॉम्बिनेशन हमने नहीं बनाया, वो हमें बनाना था, हमने दो दो का एक एक का 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर दो दो के 6 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर तीन तीन के बनेंगे, फिर 4 के बनेंगे, बात आई समझ में कि? हाँ, जैसे यहाँ पे हमने अब हमें लिखने में थोड़ी सी हमने गलती कर दी, क्योंकि हमने ए वन वन वाले हमने नहीं लिखे, देखो एक ही लिखा उसके बाद 2 वाला आ गया, ठीक है, तो ये ह्यूमन है, ये है, कोई एक एक लिखते 1 2 4 ऐसे ही बन जाते, अब देखो सर। हाँ जी सर, वैसे सर इसमें सर फाइव ले सकते हैं,
इसमें एलिमेंट नहीं है ना, इसका सबसेट हमारा रिलेशन हो जाएगा फाइव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फाइव किसी से आएगा तो नॉन वाइड सेट में चला जाएगा, वो वाइड रिलेशन में चला जाएगा, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं। ओके, मान लीजिए कि अगर ए क्रॉस बी आपको बनाना है, देखिए ए क्रॉस बी अगर आपको बनाना है, अगर ए इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है, ए क्रॉस बी भी फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। देखिए बात आई समझ में, ए क्रॉस बी इक्वल टू अगर फाइव है, एक में कोई एलिमेंट ही नहीं, तो ए क्रॉस फाइव करे बी करेंगे तो हमारे फाइव मिल जाएगा। ओके सर। हाँ जी, अगर मान लीजिए ए भी इनफाइनाइट है, बी भी इनफाइनाइट है, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी में हमारे पहले डेफिनेशन में हमने यहाँ पे एक बात बोली है जो किसी ने ध्यान नहीं दिया, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग एम एंड एन एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, बोल रहा है ना फाइनाइट सेट्स, ठीक है, एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, देन एम ए क्रॉस बी एम एन ऑर्डर पेयर, and then therefore total number of plus a to be 2 to 4 mn, agar finite honge tabhi, agar void honge tab to dikkat hai, baat aayi samajh mein, aur a cross b ka jahan nikala gaya hai ye bhi dekhiye, the cartesian product of two sets a and b is non void set, ye dekhiye hamesha non void ki baat ho rahi hai yahan pe, non void set a b, yani kya hona chahiye a cross b ke liye hame hamesha kya hona chahiye, नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई जी मनिंदर? यस सर, आ गई जी। हाँ ठीक है जी, अब हम बात कर, यहाँ तक है रिलेशन समझ में आया, अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। अब इसी में डोमेन रेंज की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब डोमेन क्या होता है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी हमने लिखा, मान लीजिए ए क्रॉस बी ऐसा लिखा हुआ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कमा बी इज सच दैट, ऐसा है, ए कमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, तो ए डोमेन ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड रेंज इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये जो बी हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी समझ लें, डोमेन ऑफ आर अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं, ये देखिए डोमेन ऑफ आर, रिलेशन ऑफ आर का हम डोमेन कैसे निकालेंगे अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ए कमा बी है ऐसा, या ऐसे एक भी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसा बोल दिया कि ए सच दैट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा, एंड बी इज इक्वल टू गिवेन है, ये देखिए 2, 5, 7, 9, 11 और रेंज, तो डोमेन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, ये देखिए ये हो जाएगा, तो रेंज ऑफ रिलेशन अगर लिखा जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट ए, ठीक है, अगर रेंज ऑफ रिलेशन अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे क्या, b इज सच दैट a कमा b इज द रिलेशन ऑफ r, इज द एलिमेंट ऑफ r, ये देखिए, यानी यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और डोमेन क्या हो जाएगा, a कमा b में हमारा a क्या होगा, डोमेन होगा, a कमा b में हमारा रेंज क्या होगा, रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी अगर दिया गया है ऐसे,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऐसा दिया है, यही हमारा आर है, यानी 1,3 दिया हुआ है, 1,5 दिया हुआ है, 3,7 दिया हुआ है, 3,9 दिया हुआ है, 5,3 ऐसा दिया गया है आपको, एक रिलेशन दिया गया, ये देखिए ए क्रॉस बी और यही हमारा आर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके डोमेन ऑफ आर की बात करें, यहाँ पे देखिए डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ऑर्डर पेयर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, 1,1,3,5, 1,3,5 यही होगा ना जी। रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है, वो एक ही बार काउंट करते हैं, बात समझ भी। और रेंज डोमेन ऑफ ये हो गया, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, ठीक है, रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3,5,7,9,3, 3,5,7,9 ये आपका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, किसी को दिक्कत है जी? हेलो, नहीं सर। हाँ जी दसो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए रिलेशन ऑन सेट, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। देखिए लेट ए बी द, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी बारे में कर ले, कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी, ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ क्या हो जाएगी, ए टू इटसेल्फ लेंगे, ठीक है, इटसेल्फ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड a relation on set A, relation on set A, बात समझ में। अगर एक भी सेट दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका रिलेशन निकालना है, यानी इटसेल्फ वो एक रिलेशन हो जाएगा, यानी एक क्रॉस ए से ही निकाल के हम रिलेशन बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि दो सेट गिवन हो, ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं कि दो सेट गिवन हो, अगर एक भी सेट दिया गया है और बोला है कि इसका रिलेशन फाइंड आउट करना, तो एक क्रॉस ए करेंगे। एज पर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक सेट गिवन है ए, क्या गिवन है जी, 1,2,3,4, तो एक क्रॉस ए निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे देखिए 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है, कलर चेंज कर दो, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, ए क्रॉस बी इसी का सबसेट जो हमारा रिलेशन कहलाएगा। अब आर वन की बात करें, अगर एक रिलेशन लिखे आर वन, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसा लिख सकते हैं जी, ठीक है। आर टू का अगर हम बात करें, आर टू क्या हो जाएगा जी, 3,2, 3,3, 3,4 ऐसा दो तीन एलिमेंट ले लिए, तो हमें एक ऐसा सेट मिल, ऐसा एक रिलेशन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे जी, देखिए 4 है तो 2 का पावर 16 एलिमेंट बन जाएंगे रिलेशन, 3,4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 का पावर 16 होगा कि नहीं, यानी एक क्रॉस ए में 16 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, यानी सबसेट
ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 16. दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन. आप देखो a कमा बी बोला जाए तो a कमा ए ए बी बी ए ऐसे करके आप अगर a इज इक्वल टू अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर a इज इक्वल टू a कमा बी दिया हुआ है ठीक है, a इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ a कमा बी ठीक है, तो a क्रॉस a क्या हो जाएगा, ये देखिए a क्रॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कमा a, a कमा बी, बी कमा ए, बी कमा बी. बात समझ में आई जी, यहां तक बात समझ में आई, किसी को दिक्कत है? हेलो. नहीं सर. अब हम बात करते हैं नहीं सर. हाँ जी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन आज हम पढ़ ले ठीक है, इन अभी है टाइम 5 मिनट पढ़ ले ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन. Inverse of a relation. Inverse of a relation क्या होता है ये देखिए. Let a comma b. Let a comma b be two sets and let R be be a relation R be a relation from a set set A to a set B set B then the inverse of R defined by R inverse is a relation from B to A and is defined by R inverse. ठीक है जी, R inverse क्या हो जाएगा ये देखिए, R inverse is equal to B comma A such that B comma A is such that A comma B is the element of R. ठीक है, अब देखिए इनवर्स लेट ए कमा बी टू सेट्स एंड लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. से आर जो है एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में है, तो अगर हम इसका इनवर्स लिखेंगे देन द इनवर्स ऑफ आर डिफाइंड बाय आर टू द पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा. पहले आर का रिलेशन क्या था, ए टू बी था, अब क्या हो जाएगा बी टू ए एंड डिफाइंड बाई आर इनवर्स बी टू ए हो जाएगा. आर क्या था, ए टू बी था, अब यहाँ क्या बी टू ए हो जाएगा. ठीक है जी, एज फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल टू गिवन है x, y, z ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर रिलेशन क्या हो जाएगा 1x, 1y ठीक है, 1z, 2y ठीक है, 2z और ये क्या है, इज द सबसेट क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. अगर इसी का हम आर इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आर इनवर्स अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कमा वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स कमा वन, वाई कमा वन, टू कमा वन, सॉरी सॉरी 2, 1 यहाँ पे कोई गलती हुई क्या, y कमा 2 क्या हो जाएगा, y कमा 2
वाई कमा टू, ठीक है जी, दिस हो जाएगा जी जेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जेड कमा थ्री रहता ये हो जाएगा थ्री कमा जेड है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड कमा थ्री, ये हमारा आर इनवर्स हो जाता है, यानी ये क्या है बी क्रॉस ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, समझ में बात आया जी इनवर्स ऑफ ए रिलेशन? यस सर, ठीक है जी। तो आज हाँ जी, कोई दिक्कत